आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी की सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शिवरात्रि में हमारा भाई बहन नरसी आप दादी ने बोलियो कहीं बेटा तू भी जावेला नहीं नहीं बेटा आज नहीं जी का लोग एक दिन भी जल लोटो नहीं ले जावे बेबी आज शिवरात्रि में मंदिर में लोटो लेर खड़ा रहेला। मैं बोलता हूं जुखाम हो जाए तो अलग दवाई है बुखार हो जाए तो अलग दवाई है लेकिन एक लोटा जल और सब समस्या का याद रखिए। 2 साल का बच्चा भी हो स्कूल जाए ना तो लोटा पकड़ा के एक लोटा जल चढ़वाया करो क्या होगा वो अपने क्लास में टॉप नहीं पूरे स्कूल में टॉप हो जाएगा। बस करना आपको क्या है कि हर हर महादेव। पिछले साल अधिक मास में जो यहाँ शिव प्राण हुई मेरे भाई बहन बहुत लोगों का कॉल आया वहां से ये लाइव से कि महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से अब की बार अभी इसके बाद रामदेव जी की जो कथा है वो आगे नागपुर है फिर मुंबई है आप लोग कथा देखोगे 11-12-13 अक्टूबर संस्कार टीवी पर रामदेव जी की कथा लाइव रहेगी। तो कहने में बात यह है कि पिपा जी महाराज नरसिंह जी का गुरु है मंत्र दिया नरसिंह जी ने। नरसिंह जी दादी गई मंदिर में हर हर महादेव लोटो गाली और आई तो पिपा जी महाराज बैठा था पिपा जी ने गोदी में दी पिपा जी महाराज मंत्र दिया कान में बोलो बेटा राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण। इस प्रसंग में जो राधे कृष्ण बोले वो जीवन में कभी कोई भी योनि में जन्म लेवे वो गूंगो और बोलो नहीं होया करे बोल सच्चे दरबार की जय। नरसिंह जी रा जो कान री शक्ति सुनने की बंद हो गई थी वो योन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसूप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरे स्वधामना अन्यस्य हस्त चरण श्रवणत् गादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम योन्तः प्रविश्य इमां प्रसूप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरे स्वधामना। जो शक्ति जड़ हो गई थी भगवान के नाम से चेतन हो गई और हमारा भाई बहन मुख से बोलने की शक्ति आ गई कानों से सुनने की शक्ति आ गई। वही नरसिंह जी रा गुरु पिपा जी समुद्र में कूद गया था बाने भगवान मिलिया अजमाल जी थे समुद्र में कूदो था ने भगवान मिलेला। अजमाल जी बोलिया मैं समुद्र में कूदूला महाराज लेकिन सबके घर के नियम अलग अलग है क्या नियम है आपका बोले मेरा नियम यह है जो मुझे पता बतावे जो मने पतो बतावे वो मारे सागे चलिया करे मारे घर को नियम अलग है जो मने पतो बतावे वो मारे सागे चलिया करे थे भी मारे सागे चलो समुद्र में भगवान मिले तो। पंडित जी महाराज बीच समुद्र तक पुग्या कंठा तक पानी आ गई पंडित जी सोचिया ओ भी ओ तो डूबेला ओ मने भी डूबावेला हे भगवान कहीं करा। लेकिन उसी समय पंडित जी महाराज बोलिया कि देखो भाई मारे तो 5 बजे की मंदिर को झांकी खोलने को टाइम आ गयो है थे जाओ कूद जाओ था ना भगवान मिलेला। अजमाल जी बोलिया मैं तो कूद इस हूं अगर मगरमच्छ और घड़ियाल से बच के आ गयो मैं तो मैं थाने नहीं छोड़ूंगा आज। पंडित जी बोलिया कूदो तो सरी जिन्हें जिन्हें भेजियो वो कभी पाछो ही को नहीं आयो है। लेकिन एक बात अजमाल जी पूछा एक बात तो बताओ भगवान कठे मिलसी अठे मिलसी या बठे या बीचो बीच मिलसी कठे मिलसी। बोले भगवान रो नाम लेके कूदो भगवान अपने आप मिल जावेला आपने। लेकिन एक बात याद रखिया भगवान जब आपने दर्शन देवेला तो दास दासी पंखाओं हवा देवती मिलेली लक्ष्मी भगवान के चरण दबावता मिलेला और भगवान शांताकारम भुजग शयनम भगवान शेष नायक पे शयन करता मिलेला। उसी समय अजमाल जी भगवान को नाम लिया लोगा सुन सुन बांझड़ा
गया अजय माल कूद पड़ा जल द्वारका पुग्या ठेठ पाता बोलो द्वारिका धीस की अजमल कूद पड़ा रे समुद्र में 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 क्या हुआ बन द्वारिका रानाथ बटे मिलिया जी ओ रामा द्वारिका रानाथ बटे मिलिया ओ रामा द्वारिका रानाथ बटे मिलिया जी वसुदेव जी रा कवया खम्मा खम्मा ओ मारा द्वारिका रानाथ द्वारिका देश की जय अजमाल जी भगवान रो नाम ले रे कूदिया माने भगवान मिलिया कि नहीं बताओ आज आप भगवान रो नाम लेके कम्युनिटी हॉल में आया हो आज आपने कम्युनिटी हॉल में रामदेव जी मिले कि नहीं बढ़ते बताओ आज आप रामदेव जी से मिल रहे हो कोई साधारण बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात क्योंकि आज आप जिसको मिलन वास्ते आया हो रामदेव जी भी आपसे मिलन वास्ते आया है जैसे बहन तड़पती रहती है भाई के याद में रामदेव जी भी तड़पते रहे कि भाई मारी आज भाई तू जो मैंने राखी बांधी है नहीं बिरो जो बधाई मांगे लिए आज तने मिल जावेला मारा भाई बहन अजमाल जी कुदिया भगवान रो नाम ले भगवान रो नाम ले रे कुदिया और भगवान उसी समय आप रे हाथ से प्रबल प्रेम के पाले देखो भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा एक बात बताओ आपके बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है आज और आज ही आपकी फ्लाइट की टिकट है तो आप फ्लाइट में चढ़ जाओ ला या टिकट ने सामने बना करके पहली बच्चे रे स्कूल जाओला क्योंकि आज अगर स्कूल जाओला आप तो बच्चे रो पूरे स्कूल में मान बढ़ जावेला क्या करोगे बताओ आप जाओगे आप अरे टिकट बनी हुई है आपकी कैसे जाओगे आप बोले टिकट ने फाड़ो सुबह की टिकट है मुनीम जी शाम की टिकट बना दो आज छोरे स्कूल में जावाला तो मारे छोरे रो मान बढ़ेला छोरो बोलियो बाप पापा आज पिताजी आज आप हमारे स्कूल में आओला तो हमारे पूरे स्कूल में हमारा मान बढ़ेला हमारा बाबूजी आया है अरे बेटा के बात कर रहे हो बस मेरे भाई बहन अजमाल जी भी भगवान नो नाम ले रे कुदिया अजमाल जी नाम ले रे कुदिया तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलिया भगवान द्वारकापुरी बसाई और अजमाल जी भगवान रे द्वार दर्शन करिया तो जयकार लगाया बोलो द्वारिका अधीश की जय हो अजमाल जी भगवान ने देख उदास हो गया भगवान कदी ब्याह करो तो सोने को पाग पहरो मायरो भरो तो पचरंग पाग पहरो बांध्या अर्जी पचरंग पाग कलमिया तो टांग्या अर्जी कान में लेकिन आज भगवान ने ना तो पाग पहरोड़ो ना मुकुट पहरोड़ो आज जोई जोई ध्यावे बारा दुखड़ा थे काटो जोई जोई ध्यावे बारा दुखड़ा थे काटो हो रामा थर माथे ऊपर पाटी कईया बांधी जी हो रामा माथे ऊपर पाटी कईया बांधी हो रामा माथे ऊपर पाटी कईया बांधी जी वसुदेव जी रामरा खम्मा खम्मा ओ मारा द्वारका जी सिखी जय भगवान थारे माथे ऊपर पाटी क्या बांधोड़ी है भगवान बोलिया अजमाल जी ऐसा सब घर की बात है छोड़ो थे तो आप नहीं बताओ थे कि थे क्यों आया हो घर की बात है मतलब क्या बात है भगवान कोई लक्ष्मी जी से आज कोई जमेलो हो गया आप रे माथे ऊपर पाटी बांधोड़ी है अरे नहीं नहीं अरे भोला भोला भगता मारे लाडूडेरी मारी 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 अरे मारे माथे ऊपर चोट खनी आई जी मारे लाडूडेरी मारी भोलो भोलो
भगता मारे लाडोरे 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 ए भगत, एक बोलो भगत तो लड्डू की मार दे। भगवान खाली नाम बता दो मेरो, गर्दन काट के मेरा चरणों में लाऊंगा मैं। नाम बताओ आप। भक्तराज शांत हो जाओ आप लोग, मने और कोई नहीं मारियो, मन तो आप ही मारियो। मैं भगवान, मैं आपने कद मारी बताओ, मैं आपने कद मारी बताओ। भगवान बोले अभी थे मंदिर में गया आप, अरदास करी, बोलो द्वारिकाधीश की जय, अजमल घर अवतार की जय। अभी आप मंदिर में गया मारे अरदास करे आप, भगवान वो तो मैं पत्थर की मूर्ति ने मारे। अरे भक्तराज, पत्थर की मूर्ति में मैं नहीं हो तो लोग सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करवाते हैं, है कि नहीं? किसी को कंकड़ दिखता है लेकिन किसी को शंकर दिखता है। देखो एक बात आपको बता दो, कोई बोले देखो अरे ये क्या मंदिर बने है? देखो जिस दिन मंदिर बना ना, जयपुर से मूर्तियां मंगाई मैंने मार्बल की, क्या मार्बल की मूर्ति चमक रही देखो आप। ऐसो मौको कद आवे लो जय श्री कृष्णा, इधर उधर मत डोलो रे, अभी भी आधे इधर उधर हो रहे, इधर उधर मत डोलो रे, अब प्रभु चरणों में होलो रे। और ऐसो मौको कद आवे लो जय श्री कृष्णा, क्या अपॉइंटमेंट बुक कराया आप सबने बताओ रामदेव जी को? आज बादवा सूदी दूज है, ये बुक कराने के लिए लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर परिश्रम नहीं करना पड़ा, यहाँ तो ऊपर से दबाव लगता है ना, ऊपर से कोई वीआईपी सपोर्ट लगाता है दबाव, तब जाकर के कोई अपॉइंटमेंट बुक होता है। यहाँ पर भारी दबाव बहनों का है, सारी बहन जी की एक बार में दबाव लगाई, रामदेव जी महाराज बोले कि अब कोई काम नहीं, कोई काम हो गया नहीं तो हमारा भाई बहन बहुत मुश्किल रहे, बड़े से बड़े मंडल तक आतक लोग डेट वास्ते तरसे कि भाई बादवा सुधी दूज मिल जावे। बोल सच्चे दरबार के घोड़े पर, लीले घोड़े पर, और ऐसी महिमा होगी मारा भाई बहन। अजमाल जी भगवान ने बोलिया, भगवान मैं अपने कद मारी बोले अभी, उस समय भगवान बोलिया कि मैं अगर पत्थर पे नहीं हूं तो सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, अगर आपके घर में सूर्यनारायण की किरणें आती है तो याद रखना मेरे घर में राम प्रकट हो गए, अगर आपके घर में चंद्रमा की किरण आती हो तो याद रखना मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, लेकिन तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदियां झरने सब में मेरी माया, डाला माटी के पुतले में जान, कण कण में बसा भगवान भगवान भगवान। देखो ये पुतला जो है ना ऐसे ही खड़ा था, आंखों आंखें खुली थी लेकिन देख नहीं पाता था, काने सुन नहीं पाते थे, नासिका से सूंघ नहीं पाता था, मुख से बोल नहीं पाता था। जब भगवान ही में प्रवेश करिया, जब नारायण प्रवेश किए इस शरीर में, तब नासिका सूंघने लग गई, मुख बोलने लग गया, आंखों से दिखने लग गया, अरे मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। देखो इस शरीर से खुशबू आवे, मानो नारायण भगवान अंदर बैठे हैं तो ही तो खुशबू आ रही है। जिस दिन भगवान शरीर निकल जावे तो ये शरीर बदबू आवन लग जावे एक मिनट में, ये शरीर में ठाकुर जी बैठे हैं जने शरीर की खुशबू आ रही है। भगवान बोलिया डाला माटी के पुतले में जान, ये जितने मट्टी के पुतले हैं सब में मैं बैठा हुआ, इसलिए शरीर में खुशबू आती है। हमारा भाई बहन अजमाल जी चरण में गिर गया, भगवान मैं आपने मार दियो लड्डू की, अरे खम्मा मारा बाप जी मैं मूर्ति रे मारी, खम्मा मारा बाप जी मैं मूर्ति रे मारी, अरे खम्मा मारा बाप जी मैं मूर्ति रे मारी, खम्मा मारा बाप जी मैं मूर्ति रे मारी, मन माफी अन्य दाता बक्सावो जी मैं तो मूर्ति रे मारी,
बाप जी ने खपा मारा बाप जी मैं मूर्ति रे मारी। मैंने माफ कर दो भगवान, मैं मूर्ति के मारी बहुत गलत काम करे हूं जीवन में। आज लोग मंदिर में जाके भगवान से प्रेम करते लेकिन मैं भगवान ने रोग लगा दियो। कोई बात नहीं भक्तराज, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, आप समुद्र में क्या कूद गया? वाह भगवान, एक लाडू की मारी पूरे बायोडाटा सामने रख दिया, इया मारी बिया मारी खाने मारे हो टेढ़ो मारे हो। और प्रभु मैं समुद्र में क्यों कूदे हूं आपने मालूम नहीं है? भगवान बोलिया मैंने सब मालूम है भक्तराज, एक बार मुंह से तो बोल। बिना मुंह से बोले बच्चों रोवे नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाया करे। एक बार मारे, एक बार मुंडे से तो बोलो। ये समय है, देखिए रामदेव जी की कथा में यो समय है बोलने को। आपके मन में जो बात चल रही हो एक बार मुंह से जरूर बोलिएगा भगवान को। अजमाल जी महाराज बोल रहे हैं भगवान, धन और माल रिसाला घना दीना, धन हाथी घोड़ा माल रिसाला सब दिया, लेकिन एक टाबरिया री कमी कहिया राखी जी। हो रामा टाबरिया री कमी कहिया राखी जी, मारे एक टाबर री कमी क्यों राखी बाबा? भगवान बोले एक टाबर वहां समुद्र में कूद गयो, एक टाबर वहां समुद्र में कूद गयो। बोले हाँ प्रभु, एक टाबर जिरे नहीं हुए भी घर में पूछो आप। अगर किसी के घर में 2 सालों तक संतान नहीं होते ना तो परिवार वाले बोलते हैं, 8 साल 6 साल निकल जावे तो पड़ोसी बोलन लग जाए करे, और 10 साल निकल जावे तो बहन बेटी ने सतान वास्ते पूरा मोहल्लो बोलन लग जाए करे। के बात है भाई 10 साल हो गया, कहीं बात है कहीं बात है, अरे कहीं बात है थानी कौन रही है? लेकिन बिनी जार बोल सी। तब बा जब आंख में आंसू लेकर के भगवान ने बोलिया करे तो मारा भाई बहन 10 साल हो जावे चाहे 12 साल हो जाए ठाकुर जी मेरे पूर्ण करया करे काम। बोल सच्चे दरबार की। अजमाल जी बोलिया भगवान ने आंखों में आंसू लेकर के, दुनिया वाणी की बात समझती है भगवान अश्रु की बात समझते हैं। आंखों के आंसू से भगवान ने कहा, अजमाल जी बोलिया प्रभु कई बात। भगवान बोलिया अजमाल चिंता मत कर, तेरी रानी के गर्भ से एक टाबर होवेला, मैं तने वचन दे रही हूं। भगवान कदोसी बोले सम्मत 1460 माघ सुदी वसंत पंचमी के दिन होवेला। वाह भगवान बहुत मिल गयो मने, अब मैं चलू। भगवान गीता में भगवान 15वें अध्याय में बोलिया यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यद गत्वान निवर्तन्ते, मेरे धाम में आने के बाद कोई जाने की इच्छा नहीं करता, फिर भी आप जाओ लेकिन कुछ मेरे से वरदान मांगो, मैं अपने वरदान दूं, कुछ और मांग लो मेरे से। भगवान आपरे वरदान दिया अजमाल जी, जो मांगोगे मिलेगा और कुछ मांगो। अजमाल जी बोलिया भगवान अब वरदान ही दिया हो तो एक काम करो, कहीं बोले मंदिर में रहते हो भगवान थोड़ा बाहर भी आया करो, रोज मंदिर में रहो आप, इतने लोगों की भीड़ है, एक एक आदमी जोत में घी दे रहा है, कितना टाइम लग रही है बताओ। अब आप तो घर भी यही बैठे रहोगे आप, तो मंदिर से बाहर कब आओगे आप? मंदिर में रहते हो भगवान कभी बाहर भी आया करो, मैं रोज तेरे दर आती हूं कभी आप मेरे घर भी आया करो। क्या अजमाल बोले भगवान थे पुत्र बन के मारे घर प्रकट हो जाओ। वाह रे अजमाल तू तो बहुत बड़ो भगत है, तू तो आंगली पकड़ता मारो पूछो ही पकड़ लियो। बोले भगवान थे पुत्र बन के आ जाओ ला, हमारे जीवन में सब काम हो जावे ला। अजमाल जी बोलिया तो भगवान बोलिया हे भक्तराज तने वचन दियो तो एक बात सुन, 24 अवतार मेरे हो चुके ज्यादा ना हो सकता है अब, ज्यादा ना हो सकता है अब, ज्यादा ना हो सकता है, थारे पालने आऊला रामदेव कहलाऊला, थारे पालने आऊला रामदेव कहलाऊला, मैं थारे पालने आऊला रामदेव कहलाऊला। भगवान मारे पालने आओ, चाहे मारे आंगने आओ, चाहे मारे वीआईपी टावर में जितना भी हरि भगत विराजमान है, आप सबरे घर में आओ, लेकिन आओ तो जरूर बाप जी। भगवान बोलिया कि सबरे घर, सबरे घर में तो मैं आयो विराजमान हूं। बोल सच्चे दरबार की। अजमाल जी महाराज
भगवान ने बोलिया थे मारे घर कद आओला भगवान बिदिन कोई सगुन मिलेला। बोले सम्मत 1461 बादवा सुधी दूज वार शनिवार के दिन आऊला। सम्मत 1461 बादवा सुधी दूज और वार शनिवार के दिन आऊला। भगवान कोई सगुन मिलसी सगुन। कुंकुरा पगलिया थारे आंगनिया में मंडेसी। कुंकुरा पगलिया थारे आंगनिया में मंडेसी। केसर की बरसात थारे मेला ऊपर होए से। केसर की बरसात थारे मेला ऊपर होए से। अरे पानी डारो दूध बन जावेला अजमल। पानी डारो दूध बन जावेला अजमल। थारे पालनिया में आओला अजमल। थारे पालनिया में आओला। वसुदेव जी राधोला अम्मा खम्मा हो मारा रूनी चेरा धनिया। अम्मा खम्मा हो अजमान जी राधोला। भक्तराज जी दिन तेरे घर में आऊला कुंकुरा पगलिया केसर की बरसात। जितने घर में तेरा पानी है नहीं लोगा ने पानी दिखसी लेकिन तेरे घर में दूध बन जावेला। लोगा ने तेरे घर में कंकड़ दिखेला लेकिन तू हाथ गालेला तो सोना बन जावेला। याद रख अजमाल जी बोलिया भगवान अब मैं चालू थोड़ा भोजन तो करो। अजमाल जी हाथ से भोजन कराया। ज्यादा भोजन कराओ तो कहीं आवे ज्यादा भोजन तो क्या आवे बताओ। उपासिया तो आवे ही है लेकिन बडोड़ो क्या आवे बताओ। बडोड़ो क्या आवे नींद आवे कि नहीं बताओ। ओ बहुत बड़ो है कोई के अच्छा कुर्सी को सारो मिल जाए और लारे खंबारो सारो और मिल जावे और फिर माथो जी को पीछे जावन लग जाए धीरे धीरे। कोई बोले भाई क्या कर रही है बोले महाराज ध्यान लगा रही हूं मैं। इतना पेटी बाजा ढोलक बाज रहा तो भी और घर में मोबाइल की घंटी बाजे तो भी ध्यान टूट जावे। मारा भाई बहन कथा में देखो किसी को रात में नींद नहीं आए दो दो बजे तक। कोई बोले महाराज जी नींद नहीं आती रात में दो बजे तीन बजे तक क्या करें हम। मैं आपको बताऊं एक मिनट में आपको नींद आ जाएगी। आप घर में बेड पर बैठोगे नहीं उससे पहले नींद आ जाएगी आपको। कैसे आपको जब नींद नहीं आए तो खाली आप सुंदर कांड का पुस्तक ले लो और शुरू कर दो। सियावर रामचंद्र भजु जय शरणम शांतम शाश्वतम प्रमेय बनेगा कई कहो क्योंकि भगवान रो नाम लेते ही नींद आवेली। और जितने तक नींद नहीं लेवा तो पूरी रात तीन बज जाओ तो ही मोबाइल या बचकाए तो रहो बोले। एसी को 24 पे करते कभी 20 पे करता रहो बोले। हमारे बच्चों को रात में नींद नहीं आए ना मैथमेटिक्स के दो तीन सम खोल दो खाली बस नाम लेते नींद आ जाएगा उनको। भगवान ने नाम में सुख मिला करे। अब ऐसी कृपा हुई अजमाल जी ने आई नींद और जी ही नींद आई तो भगवान आपने दास दासी ने बोलिया देखो बहुत बड़ो भगत है हो जाग तो थो तो मने मांग लियो और दोबारा जाग क्यों नहीं तो बोल सी आ द्वारका पूरी भी चमचम कर रही है नहीं भी सागे लेके चलो। इसीलिए अरे डोकरो अजमाल बीरो सोत्यो खूंटी ताण बठे तो समुदरिया में आया मारा ठाकुर रा बीमान। बठे तो समुदरिया में आया मारा ठाकुर रा बीमान। भोला भोला भक्ता ऊपर करिया उपकार। 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 एक पल में पहुंचाया अजमाल पहला मान। पल में पहुंचाया अजमाल पहला मान। डोकरो अजमाल पीरो सोत्यो खूंटी ताण बठे तो मिंदरिया में आया मारा ठाकुर रा बीमान। बठे तो समुदरिया में आया मारा ठाकुर रा बीमान। एक पल में भगवान पल में पुगाया अजमाल महला मार। देखो आप अपने घर से निकलो तो भगवान का नाम लेके जाया करो। क्यों
आप घर में जैसे भगवान का नाम लेके गए हो तो जल्दी पहुंच जाओगे और सारा काम करके जल्दी आ जाओगे, और भगवान रो नाम लेके नहीं जाओला बी दिन गोता खाओता खाओता कोई काम भी नहीं होवेला। अरे किरो मुंडो देखे आज काम ही को नहीं होया, अरे किसी का भी देख लो लेकिन भगवान का नाम लेके नहीं निकले यार, भूल गए यार, इसलिए गोता खाना पड़ा। हनुमान जी के जो भक्त है वो हनुमान जी से सीखना चाहिए आपको। हनुमान जी घर से कोई भी काम करने पहले निकलते हैं तो प्रभु मुद्रिका जल्दी लांग गए। हनुमान जी को एक जन ने पूछा कि आप लंका कैसे लांग गए, तो हनुमान जी ने कहा जिमी अमोग रघुपति कर बाना यही बाती चले हनुमाना। जैसे राम जी का बाण निकल जाए तो गंतव्य तक पहुंच जाता है, बस मैं भी राम जी के नाम रूपी तीर पर बैठ जाता हूं और मेरे गंतव्य तक पहुंच जाता हूं। आप भी भगवान का जिमी अमोग रघुपति कर बाना यही बाती चले हनुमाना। जैसे राम जी का बाण चलता है वैसे ही भगवान का नाम लेके जाओगे तो आपके कार्य वैसे चलने शुरू हो जाएंगे। अजमाल जी सुत्या था, रानी आके देखी के बताओ इतनी जोरदार सो रहा है, और अजमाल जी ने रानी मैना ने जगाई, स्वामी उठो स्वामी उठो स्वामी उठो। अजमाल जी उठ्या और द्वारकाधीश की जय हो, अरे रानी तू कद आई? रानी बोली मारे आयडा 50 साल तो हो गया, अबारे पूछो मैं कद आई, मैं कद आई 50 साल सुधारे बैठी हूं और मैं कद आई, मैं कद आई? नहीं नहीं तू द्वारकापुरी कद आई, यो द्वारकापुरी नहीं यो देखो आपरो हॉल है, आपरो घरो हॉल है यो। अरे रानी आपरा दुख दूर हो गया, भगवान मने वचन दिया। कई वचन दिया? आपरा दो टाबो रोवेला। रानी बोली पाछा ओढ़ के सो जाओ, लोग धोड़ा में धूड़ गालेला, लोग बोल सी बुढ़ापे में दो दो टाबर की चाहत राख रहे, जवानी में चाहत ही नहीं रखा। अजमाल जी बोलिया रानी तने भगवान पे भरोसा हो या नहीं हो? मुझे भगवान पे भरोसा है। रानी बोली कि मैं यही तो चाहती थी मेरे पति देव को भगवान पे भरोसा हो जाए, मैं जो लड्डू बना के भेजी थी भगवान मेरे खुशबू लिया, खुशबू से मालूम पड़ गया हमारे रानी ने कहीं चाहिए, मैं यही चाहती भगवान पे भरोसा हो जाए आपको। हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति है, मानस में 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें एक भक्ति भरोसे की भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी मालूम है? पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सोबेद प्रकाशा, छठ दाम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम से मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोसा। देखो पहली भक्ति कौन सी है? पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो। आपके घर में कभी कोई संत गुरु आ जाए एक दो घंटा उनके पास बैठ के, नहीं बैठ पाओ तो क्या करें? बोले दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। राम जी कह रहे हैं अपने घर में कभी बैठ के कथा सुनो, ये भक्ति है। कथा नहीं सुन सको तो क्या करें? गुरु पद पंकज सेवा, अपने चरणों अपने गुरु की सेवा करो। गुरु कौन है? बोले वेद कहता है गुरु हमारी माँ है, मातृदेव भव पितृदेव भव, अपने माता पिता के चरणों की सेवा करो, ये भी एक भक्ति है। लेकिन तीसरी भक्ति अमान, मान मत करना कि मैं हूं तो मेरे माता पिता को संभाल के रखा हूं, किसकी ताकत है कोई संभाल ले? नहीं, क्योंकि माता पिता है तो दुनिया में तू नाम कर रहा है। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणा करई कपट तजिगान। राम जी बोले भगवान का भजन करो तो कपट को छोड़ के करो, कपट मत रखो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति क्या है? बोले एक मंत्र जपा करो मन से,
कौन सा मंत्र जिससे मन तर जाए वही है मंत्र। छठी भक्ति कौन सी है, बोले छठदम सील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अच्छे लोगों का संग करो, जिसकी संगत बुरी है उसका संग छोड़ दो। और बोले सातम से मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। अपने घर में बड़ों का सम्मान करना भी एक भक्ति, अपने से बड़ों को मान सम्मान से बोलो। देवरानी जी, जेठानी जी, नाम लगाना है, जी कार्ड ना कोनी वाला, मान सम्मान से बोलना भी एक भक्ति है। और आठम जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे परदोसा। लोगों का घर में लोगों ना दोस्त मत देखो, लोगों ना गुण देखो। अपन लोगों ना दोस्त देखा तो ही अपन इमें वो देखो किया है, वो किया देखो, वो किया, अरे हम कैसे बताओ। मन में संतोष रहे, किसी का नाम संतोष हो लेकिन मन में संतोष बिल्कुल नहीं है तो नाम से कुछ नहीं होने वाला है। और एक भक्ति है मम भरोस, इतनी बातों को नहीं मान सको तो एक बात तो मानो। बोले कौन सी, बोले भैया घर में रहो तो याद रखो कि ये भगवत ये घर हमारा भगवान का दिया हुआ है, ये घर नारायण का दिया हुआ है। इस घर में रहूंगा तो नारायण को मैं रोज किराया भरता रहूंगा। किसका, बोले नाम का, भगवान के नाम की किराए भरते रहो और आपको सुविधाएं मिलती रहेगी। वीआईपी टावर में आप अगर वो जो ये चार्ज होते हैं ना, जो क्या कौन से चार्ज होते हैं, जो सर्विस टैक्स होते हैं, जो ये जो अरे नहीं नहीं जो कौन से मेंटेनेंस चार्ज होते हैं ना, मेंटेनेंस चार्ज अगर आप नहीं भरोगे तो नीचे लिस्ट में टावर टू के फ्लैट नंबर इतने वालों ने अभी मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया, कृपया करके कर दे, नहीं तो दो महीने में डबल हो जाएंगे। तो हमारा भाई बहन उसी प्रकार से भगवान की महिमा हुई। और अजमाल जी बोलिया रानी आपारे भगवान मने वचन दिया दो टावर होसी। रानी अजमाल जी और मैणा दे दोनों भगवान का स्वागत गीत गाउन लग गया। आइए भगवान रो स्वागत गीत गा रहे हूं और भगवान का जन्म कराऊंगा, मिलके एक साथ भाव गावला। अरे मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। जय जय अर्जी है मैं ऐसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं ऐसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है मैं ऐसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। और मेरे भाई बहन
रानी गर्भवती हुई, रानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। देखिए दो मिनट में रामदेव जी का जन्म करवा रहा हूं कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, बड़े भाव के साथ श्रवण करें। रामदेव जी महाराज अठी ने रानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, सम्मत 1460 मांग सुधी वसंत पंचमी के दिन जब हम सरस्वती पूजा बनाते हैं। बिनी 6 महीना 27 दिनों के बाद भगवान बैकुंठ में लक्ष्मी को बोले, लक्ष्मी एक भगत मुने बचन में बांध के चलोगी हो, बिने घर मने जन्म लेनो है आज। लक्ष्मी जी बोली, भगवान अगर आप चल जाओला तो मैं किरे सगे रहूंगी। बोले आप चिंता मत करो, मैं तो जा रही हूं, मैं व्यवस्था करूंगा, आप दल सिंह जी के घर में पुत्री बन के आ जाया, मैं रामदेव बन के अवतार लेऊंगा और मैं आपके साथ दोबारा विवाह करने वास्ते आऊंगा। बोल सच्चे दरबार की ये लीला है भगवान की। गरुड़ जी बोले, भगवान आकाश में तो मैं उड़ाऊ, नीचे किया बैठोला। बोले रूपो दर्जी बोधापुर बन के घोड़ा बना के लावला, बीरे घोड़े रे माई ने आप सवार हो जाए, आप भी लीले में आ जाए। भगवान बैकुंठ ने छोड़ के अजमाल जी के पालने में अवतार लिया है। बोलो द्वारिका धीश की जय हो। देवता पुष्पों की बरसात की है, ब्राह्मण देवता स्तुतियां गाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसभाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टदेवी, स्वस्ति नो हो बृहस्पतिर्दधातु। और मेरे भाई बहन, आज एक बालक की जगह दो बालक, एक बालक की जगह पालने में दो बालक। रानी मैणा दे लाछा ने बोली, जाकर के एक बार बुला तो बाबूजी ने, एक बार एक बालक की जगह दो बालक किया हो गया। अजमाल जी गया रानी के पास, रानी के बात है, रानी बोली, स्वामी एक तो बालकियो बारे गर्भ सु जन्मियो, अरे दूजोड़ो कठे सुथा करा, दूजोड़ो कठे सुथा करा, आयो जियो घड़ी घड़ी खम्मा मारे द्वारका रे नाथ ने, द्वारका धीश की जय हो। दूसरो कठो आयो बताओ। अजमाल जी बोलिया, रुको मैं पंडित जी ने बुलाऊं। पंडित जी आया, पंडित जी बोलिया, सम्मत 1400 आस बाद, आज सम्मत 1461 है, बादवा सुधी दूज है, वार शनिवार है। उसी समय रानी बोलिया, हे रानी, अरे रानी बचनोरा बांध्योड़ा धनी आया जियो, मारे बचनोरा बांध्योड़ा धनी आया जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारे द्वारिका रे नाथ ने, द्वारिका धीश की। अरे रानी बचनोरा बांध्योड़ा धनी आया, पर आज मेरे भाई बहन ऐसी महिमा हो गई। अजमाल जी ने घर में थाल भजन ला गया, और ये थाल कोई साधारण थाल नहीं है, ये मंगल थाल है। रोज तो घरों में बहने बजाती है, आज वीआईपी टावर में सारी बहने बजाएगी। बोल सच्चे दरबार की बजा रे बजा सोवन थाल, बधाई सारे भगताने, बजा बजा सोवन थाल, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, आयो मारा द्वारिका रा नाथ, बधाई सारे भगताने, आया मारा द्वारिका रा नाथ, बधाई सारे भगताने, द्वारका धीश की। सरवर जन सो भरिया सुख सरवर,
होए रहियो मंगेड़ा चार बधाई सारे भगताने होए रहियो मंगेड़ा चार बधाई सारे भगताने विद पढ़ंता ब्राह्मण आया विद पढ़ंता ब्राह्मण आया बंदे रहे बंदरवार बधाई सारे भगताने बंद रही बंदरवार बधाई सारे भगताने रामदेव जी लिया अवतार बधाई सारे भगताने रामदेव जी लिया अवतार बधाई सारे भगताने हेलो रामदेव जी लिया अवतार बधाई सारे भगता देखो बोलो सच्चे दरबार की एक बात सुनिएगा बोलो रामदेव जी महाराज की हाँ बिल्कुल एक बात सुनिए सुनिएगा गौर से बोलिए सच्चे दरबार की एक बात सुनिए अभी तक हम सब बैठ के बाबा की कथा सुन रहे थे हाँ या ना लेकिन अब बैठ के नहीं क्योंकि रामदेव जी महाराज जब जन्म होयो तो आंधा ने आंख मिलिया लूला ने पग मिलिया जी को रामदेव जी महाराज के जन्म उत्सव में थोड़ा सा भी ठुमको लगाया है वो व्यक्ति जीवन में कभी रोगी नहीं बनेगा याद रखिएगा अगर थोड़ा सा भी रोग पकड़ना शुरू हो गया हो और रामदेव जी महाराज जहाँ जन्म ले ले वहां पे अपने श्वास से थोड़ा सा भी आनंद लिया है आपने खड़े होकर के तो जीवन में कभी रोगी नहीं बनोगे आप मैं निवेदन करूंगा बहनों से एक बार खड़े होकर आनंद लेंगे बोलो रामदेव जी महाराज के जय हो नाचो भगतो ये मौका रोज रोज नहीं आना झूम के नाचो भगतो ये मौका रोज रोज नहीं आना अरे रोज नहीं आना ये मौका रोज नहीं आना रोज नहीं आना ये मौका रोज नहीं आना झूम के नाचो भगतो ये मौका रोज रोज नहीं आना झूम के नाचो भगतो ये मौका रोज रोज नहीं आना रामदेव जी लिया अवतार बधाई सारे भगताने रामदेव जी लिया अवतार बधाई सारे भगताने ओम बधाई सारे बधाई सारे बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने रामदेव जी लिया अवतार बधाई सारे भगताने बोलो रामदेव जी महाराज की जय जय कृपा कर बाबा जम्मा करवाऊंगी जम्मा करवाऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा तू कृपा कर बाबा जम्मा करवाऊंगा जम्मा करवाऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा झूम के झूम के साथ हाँ सुषमा जी
पल्ला में अंगणो अंगना में पालनो पल्ला में झूले माता में देहो ललिनो बिचरा उतारू बार बार बधाई सारे भगताने रामदेव जी लिया अवतार बधाई सारे भगताने जय हो कर जोर मेरो चाले हीरे मोतिया सो नजर उतार दू कर जोर मेरो चाले हीरे मोतिया सो नजर उतार दू जैया वारे लुण राई काना जैया वारे लुण राई सोना चांदी वार दू कर जोर मेरो चाले हीरे मोतिया सो नजर उतार दू लुण राई वारो चेरे उतारो राई वारो निजरा उतारो ओ प्रगट्या ओ प्रगट्या मैना देरे आंगणिया में रामदेव जी नजर उतारो जी प्रगट्या मैना देरे आंगणिया में रामदेव जी नजरिया उतारो जी बधाई हो सखिया मैना तेरे द्वार अनोखी चर्चा मैं सोनी जी मारा रा क्या मैना तेरे होया लाला दो ये अनोखी चर्चा मैं सोनी जी मारा रा मैना तेरे होया लाला दो ये अनोखी चर्चा मैं सोनी जी मारा रा माता मैना देने पीड़ो ओडाओ जी माता मैना देने पीड़ो ओढ़ावो जी सोले सिंगार सजाओ रे सहेलियों मंगल गावो जी सोले सिंगार सजाओ ए तीड़ा से चौके पूरा वो जी आओ हे सहेलियों आपा मंगल गावो जी कोई सोले सिंगार सजावो रे सहेलियों मंगल गावो जी रल मिले गा अच्छा ये आज आपको एक शब्द बोलना है आ जाना क्या बोलोगे क्या बोलोगे देखो आ जाना बोलने का दो दो तरीका है एक बार हिमेश रेशमिया ने कहा था एक बार आजा 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 बुलाया किसी को आया कोई और आपको रामदेव जी को देख के बोलना है सामने आ जाना क्या बोलोगे
बाबा जी आओ घर में हमारे, बैठे हैं कब से दर पे तुम्हारे। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर झुमके, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जाना। बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना। देखिए निवेदन करूंगा झुमके एक साथ, 1 2 3 तेरे कीर्तन में बटेगी बधाई, आज तेरे कीर्तन में जोत भी जलेगी सबको मिलेगी मिठाई, जोत भी जलेगी सबको मिलेगी मिठाई। देखिए रामदेव जी महाराज की कथा का सबसे बड़ा बधाई कौन सा मालूम है? रोगी व्यक्ति निरोग हो जाता है और जो रोगी नहीं है वो हमेशा निरोग जीवन जीता है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। आज तेरे कीर्तन में बटेगी बधाई, जोत भी जलेगी सबको मिलेगी मिठाई, कर दे तू बेटी को निहाल हमारे घर आ जाना, कर दे तू बेटी को निहाल हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना। हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना। जय हो। महाराज की जय। सभी से निवेदन है कि बाहर चाय स्वाली का व्यवस्था है, सब ले ले। एक मिनट, हाँ आप लोग एक बार सामने देखिए, एक बार सामने देखिए। बड़े बेटे का नाम रखा भीरमदेव जी महाराज की जय, छोटे बेटे का नाम रखा रामदेव जी महाराज की जय। आप लोग 5 बार बोलिए आरामदेव, आरामदेव, रामदेव, आरामदेव, आरामदेव। क्या सुनाई पड़ रहा है? आरामदेव। जीवन में आपको हमेशा आराम मिले इसलिए आप सुबह सुबह, दोपहर में, रात में, दिन में, खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त एक दो बार कहा करो रामदेव जी महाराज की जय, रामदेव जी महाराज की जय, रामदेव जी महाराज। आप रे बड़े भाई भीरमदेव जी के सागे पालने में झूल रहा था, उसी समय माँ ने मन में आयो की मारे बेटो कोई चमत्कार कौन दिखायो, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है। रामदेव जी कहते हैं जो चमत्कार दिखाए वो व्यक्ति पाखंडी हो सकता है, लेकिन जीवन में जिसके नमस्कार रोज आ जाए उसके जीवन में रोज चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, इसलिए नमस्कार होना शुरू हो गया। ऐसी महिमा हुई रामदेव जी महाराज, माँ आई दौड़ करके भीरमदेव जी ने गोदी में ली, रामदेव जी उछाड़ो खा नीचे गिरिया, रामदेव जी ने गोदी में ली क्योंकि रामदेव जी अपने बड़े भाई ने चूंटियों भरिया था, भीरमदेव जी रोन लग गया। माँ गोदी में ले ली, मन में सोची हे राम दूध उफन रहे है, बिलनो कैसे करूं लो। रामदेव जी महाराज उसी समझिए सोचिया माँ मैंने बुलाई है, और रामदेव जी महाराज सुत्या सुत्या एक चमत्कार दिखाया, कौन सो
अरे सुत्या सुत्या बाप जी ने बाहण ली पसारी, सुत्या सुत्या बाप जी ने बाहण ली पसारी, उफड़दा चरवाने नीचे मेलिया जियो, घनी घनी खम्बारे कंवरे अजे मानरा द्वारकाधीश की जय। सुत्या सुत्या बाप जी ने बाहण ली पसारी, उफड़दा चरु ने नीचे मेलिया, रामदेव जी महाराज पहलो परसो माता मैणा दे दिया, अरे पहलो पहलो परचो माता मेणा दिने दिन्या, माता जी रे दुखेड़ो मिटाया जियो, घनी घनी खम्बारे कवरे अजे मालरा द्वारकाधीश के। एक परचो रामदेव जी महाराज मेणा देन दिया, एक परचो मारे सागे जी का आयडा बरो भी है। ए भाई मंगल भवन अमंगल हारी, चायु बिना सगला रो माथो भारी। देखो अट तो पहली दीदी बोल दी कि चाय की तैयारी है, लेकिन अभी कोई बारह लोग कालिंपोंग साइड में प्रोग्राम करने गया तो बोले मंगल भवन अमंगल हारी, शाम लोग आयो चाय बिना माथो भारी। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।